हेलो एवरी वन वेलकम टू फ्री स्टडी सो सेकंड वीडियो फॉर इनसाइट्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन वन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप उसे ज़रूर देख लें अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है ये सेकेंड वीडियो है ओके सो अगेन आज हमारा टारगेट दोबारा से थर्टी पेजेस का ही रहेगा हम थर्टी से लेकर सिक्सटी पेज तक करेंगे बीच में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं एंड वीडियोज़ को भी ज़रूर शेयर करें अगर आप ख़ुद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेलाइकॉन जरूर प्रेस करें एंड ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब थर्टी फर्स्ट मे को नहीं होना है जब भी होगा वो ट्वेंटी मे को बताया जाएगा ठीक है तो यूपीएससी की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं ट्वेंटी मे को एंड बताया जाएगा तो आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू सो लेट्स स्टार्ट नो हंड्रेड परसेंट कोटा फॉर ट्राइबल टीचर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है कि अगर 100% परसेंट रिजर्वेशन दे देते हैं ट्राइबल टीचर्स को उन स्कूल्स में जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर हों इशू क्या था ये जो केस है ये एक लीगल चैलेंज से मीन्स स्टेम अप हुआ 10 जनवरी 2000 को जब जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थी उन्होंने 100% परसेंट रिजर्वेशन दे दी एसटी कैंडिडेट्स को एंड 33 मींस उसमें से जो वन बाई थर्ड परसेंट है वो तो वीमेन ही होंगी सो so, ये आंध्र प्रदेश ने किया था कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने कहा कि हंड्रेड परसेंट जो है वो परमिसेबल नहीं है इंदिरा सोने केस 1992 में भी सिर्फ फिफ्टी परसेंट ही परमिसेबल था सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हैं एंड टोटल एक्सक्लूजन दूसरों का एक अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करना फॉर वन क्लास ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता इससे जो एस एंड जो ओबीसीज़ हैं वो भी डिप्राइव होंगे ड्यू टू देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन देन आपका जो अपरचुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का वो भी डिनई नहीं कर सकते एंड ये प्रेरोगेटिव नहीं है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए कौन कौन सी राइट्स अफेक्ट होती हैं तो आर्टिकल फिफ्टी वन ए जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉरचुनिटी है एंड ऑफ चॉइस है अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनजस्टली एंड आर्बिट्रेरली देन ये आरबिट्रेरी है एंड वॉयलेटिव है आर्टिकल नंबर फोर्टीन को फिफ्टीन सबसेक्शन वन को एंड सिक्सटीन को भी ये वॉयलेट करता है जो राइट right है ओपन कैटेगरी की उसको भी इंपिंच करता है क्योंकि अब सिर्फ एसटी ही वैकेंट सीट्स को फुलफिल कर पाएंगे एंड जो एससी एंड जो ओबीसी हैं है वो पीछे रह जाएंगे ठीक है तो आर्टिकल फिफ्टी वन ए के अंदर हमने ड्यूटीज भी आपने पढ़ी होंगी नाउ आर्टिकल 164 सबसेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे में एंड अप लूजिंग हिज सीट अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 24 मई से पहले इलेक्ट नहीं हुए तो ही टुक द ओथ उन्होंने शपथ ली थी 28 नवंबर 2019 को एंड वो तब मेंबर नहीं थे ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के और ना ही काउंसिल के उन्हें इलेक्ट होना था किन्हीं भी हाउसेस के अंदर एंड ट्वेंटी फोर में से पहले पहले क्योंकि सिक्स मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऑलरेडी राज्यसभा के पोल्स तो पोस्ट तो पोस्टपोन कर ही दिए बाई इलेक्शंस भी सिविक बॉडी भी ड्यू टू कोविडीन पेंडेमिक तो कॉन्स्टिट्यूशन तो का क्या कहना है कि आर्टिकल वन सिक्सटी फोर जो है वो नॉन लेजिस्लेटर को अलाउ कर सकता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट लें इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बट विद इन सिक्स मंथसनेटिव क्या अवेलेबल है अब तो आर्टिकल वन सेवेंटी वन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि गवर्नर को गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं कुछ एमिनेंट पर्सन को लिटरेचर से साइंस से आर्ट से कॉपरेटिव मूवमेंट से एंड सोशल सर्विस से उद्धव ठाकरे देखिए इन्हीं किसी क्राइटेरिया के अंदर तो फिट नहीं बैठते पर हाँ सोशल सर्विस एक वाइडर स्कोप उनके लिए अवेलेबल है तो अगर गवर्नर नॉमिनेट कर दें उन्हें एंड उनके डिसीजन को कोई चैलेंज ना करे को उनके डिसीजन को क्योंकि कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर सो इस तरीके से वो हो सकता है तो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर टू वैकेंसीज हैं जिसको गवर्नर नॉमिनेशन के थ्रू फिल कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है लीगल हर्डल्स हैं क्योंकि आर ओ पी एक्ट नाइन का जो सेक्शन ए है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स पर भी पुट्स अ बार कि गवर्नर ने जो अपनी डिस्क्रिशन पावर है वो कैसे यूज की है किसी पर्सन को नॉमिनेट करने के लिए टू लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर इलेक्शन या नॉमिनेशन टू विकेट सीट्स ये नहीं हो सकता इट कैन नॉट बी डन इफ द रिमेंडर अगर जो रिमाइंडर हो ऑफ अ टर्म ऑफ अ नंबर इन इलेक्शन टू अ वैकेंसी इज लेस देन वन ईयर तो जो टेन्योर है दोनों ही वैकेंसीज़ का वो एक साल से कम ही है तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब नेक्स्ट क्या होगा उद्धव ठाकरे तब तक कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी भी महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के अंदर आफ्टर मे 28 टेक्निकली उन्हें रीअपॉइंट किया जाएगा एज अ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अगेन वो रिज़ाइन करना पड़ेगा उन्हें मे 27 और 28 को दोबारा से शपथ लेनी होगी लेकिन अगर उद्धव ने डिसाइड कर लिया कि वो रिज़ाइन करेंगे दोबारा से ओथ लेंगे तो फिर दोबारा ऑफ्सटेक्कल आएगा ये भी एक केस से रिलेट करता है पंजाब में जहाँ पर तेज प्रकाश सिंह जो थे कांग्रेस के वो मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किए गए थे 1995 में एंड फिर उन्हें रीअपॉइंट भी किया गया था एट जब सिक्स मंथ्स का पीरियड हो गया था 1996 में क्योंकि वो स्टेट असेंबली में इलेक्ट नहीं हो पाए थे लिटिगेशन फॉलो हुई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रिज़ाइन करना एंड रीअपॉइंटमेंट बिड एक इम प्रॉपर अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये जो जजमेंट है इससे तेज प्रकाश सिंह के ऊपर डिड नॉट हैव बियरिंग बट ये उद्धव ठाकरे की लिए रुकावट बन सकती है अगर सेम रूट को फॉलो किया गया तो नाउ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो ऐसी ट्वेल्थ स्टेट बन गई है जहाँ पर प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को सेटअप किया जाएगा कौन सेटअप करेगा एन पी पी ए दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी और कहाँ कहाँ ये इस्टेबलिश हैं केरला उड़ीसा गुजरात राजस्थान पंजाब हरियाणा नागालैंड त्रिपुरा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश एंड मिजोरम के अंदर प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन के अंदर काम करती है ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स इस यूनिट को फंड भी करते हैं एन इनके रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस के लिए इनके फंक्शंस यही हैं एन को स्टेट ड्रग कंट्रोलर को हेल्प करना कि मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइजेस पर मिल सकें सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना सैम्पल्स लेना मेडिसिनस के ओके okay. नाओ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने फाइनल नोट मुंबई से नागपुर हाईवे लॉकडाउन के बीच में उसको फाइनल नोट दे दिया एंड ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ सेवन हंड्रेड वन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये कनेक्ट करता है मुंबई एंड नागपुर को टेन डिस्ट्रिक्ट ट्वेंटी सिक्स तालुकाज एंड थ्री नाइन्टी टू विलेजेस इससे पंद्रह घंटे का जो टाइम है वो आठ घंटे के अंदर कवर हो जाएगा ये जो प्रोडेक्ट जो प्रोजेक्ट था इससे एक लाख ट्रीज भी गिराए गए एंड टेन किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन से भी ये गुजरता है कट्टेपुरना करंज़ा सोहल ब्लैक बर्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी एंड ई सी जेड जो था तनसा लेक सेंचुरी का मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन के पास उसे भी कट किया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन टू के अंदर इसके जो रोल हैं वो एडवाइजरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइज़ करते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाएं एंड क्या मेजर्स लें कि कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं प्राइमरी फंक्शन यही है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करना डेवलप करना एंड उनकी जो पावर है कि ये रिव्यू कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को एंड प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव कर सकते हैं इन एंड अराउंड नेशनल पार्कस एंड सेंचुरीज कोई ऑल्ट्रेशन बाउंड्रीज का अलाउड नहीं है विदाउट द अप्रूवल ऑफ एन बी डब्ल्यू एल न इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर फोर्टी सेवन मेम्बर्स होते हैं फोर्टी सेवन मेम्बर्स के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर भी हैं नाइनटीन मेबर्स एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स होते हैं एंड जो दूसरे मेम्बर्स हैं वो थ्री मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनमें टू होते हैं लोकसभा से एंड एक होता है राज्यसभा से फाइव एन जी ओ हैं एंड टेन एमिनेंट इकोलॉजिस्ट कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट नव चीफ विजिलेंस कमिश्नर तो संजय कोठारी जो हैं उनको अपॉइंट किया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसने अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो सी एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जिसे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया था संतानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर नाइनटीन में एंड इसके क्वेश्चन काफ़ी एक दो बार तो पक्के पूछे गए हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में फिर इसे स्टैचूचरी स्टेटस मिला 2003 में ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो कमेटी कमीशन है उसे सेटअप किया गया था अगेन अगेन के संतानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे किस लिए करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए कॉम्पोजिशन एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है टू विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं कमेटी के रिकमेंडेशंस पर एंड कमेटी में कौन कौन होता है कमेटी में ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो टाइम ऑफ टर्नियोर है वो है फोर ईयर्स या फिर सिक्सटी फाइव ईयर्स जो भी पहले हो जाए एंड जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या कोई भी विजिलेंस कमिश्नर उसको ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्रेजिडेंट ही रिमूव करेंगे जब प्रूव्ड हो जाए मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देन पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स एक्ट तो ब्रिटिश इरा का लॉ जो है वो पंचकुला के अंदर इन्वोक किया गया ताकि मूवमेंट को रोका जा सके ड्यूरिंग लॉकडाउन जो डेप्यूटी कमिश्नर थे पंचकुला के उन्होंने एक ऑर्डर पास किया सेक्शन थ्री के अकॉर्डिंग एंड डिक्लेयर किया कि जितने भी एबल बॉडिड मेल इन्ेबिटेंट्स हैं दे आर लाइबल टू बी पेट्रोल ड्यूटी डे में भी एंड नाइट में भी जो पेट्रोल का एम है वो यही है कि वो प्रेजेंट केस के अंदर लोगों को देखें कि कौन विलेज़ के अंदर आ रहे हैं बिना एंड ये श्योर करें कि जो विलेजर्स हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें ये लॉ पहली बार इनैक्ट किया गया था 1918 में पंजाब के अंदर ताकि जो नाइटली पेट्रोल ड्यूटी है इन्ेबिटेंट्स ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स के अंदर की गई थी इन केस ऑफ इमरजेंसी इस एक्ट के अंदर जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट के पंजाब के एंड हरियाणा के इज ऑफ द ओपिनियन के विलेज के अंदर स्पेशल मेजर्स को लेने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके एंड सभी एबल बॉडीड अडल्ट मेल इन्हेबिटेंट्स जो हैं वो पेट्रोलिंग करेंगे विलेज की जो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं उनके पास पावर है कि वो नंबर ऑफ पर्सनस को अल्टर कर सकते हैं एंड कि कितने पर्सनस की जरूरत है एंड उनके मैथड ऑफ सिलेक्शन को भी जो प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे वो सेक्शन नाइन एंड सेक्शन 11 में आ जाएंगे मीन्स उन्हें फ़ाइन पे करना होगा ठीक है और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फ़ाइन है जो इम्पोज करते हैं डिप्यूटी कमिश्नर वो हंड्रेड रुपीज से ज़्यादा का नहीं हो सकता तो काफ़ी कम है देन देखिए काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर फॉर बैंक्स तो रिज़र्व बैंक ने डिफर कर दिया है कि वो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अभी एंड एक्सटेंड कर दिया है रियलाइजेशन पीरियड फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स तो आर ने ये जो फ्रेमवर्क है ये फेबररी फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन को आ, लाए थे जब ये एडवाइज किया गया था कि एक्टिवेट करना चाहिए जहाँ पर भी सरकम स्टांसेज वारंटेड हों तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बैंकिंग के अंदर क्या होता है इसमें बैंकिंग सेक्टर को प्रोटेक्शन दी जाती है लॉसेस के अगेंस्ट जो हो सकती है एंड जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है वो चाहता है मींस रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कि बैंक्स को कैपिटल रखनी होगी जब भी क्रेडिट जो हो वो रैपिडली ग्रो हो रहा हो ताकि जो बफर है इट कैन बी सो दैट बफर कैन बी रिड्यूसड अगर जो फाइनेंशियल साइकिल uh, है वो टर्न डाउन हो जाती है या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एनवायरमेंट वर्स हो जाता है तो बैंक अपने कैपिटल बफर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो उन्होंने ग्रोथ फेज में बनाए हों ताकि लॉसेस को कवर किया जा सके एंड वो लॉसेज जो स्ट्रेस पीरियड के टाइम पर हुए ओके देन बैकग्राउंड क्या है ये जो रूल है ये बेसल थर्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर बफर कैपिटल कंजरवेशन बफर जो बेसल थर्ड है वो वॉल्ट्री सेट ऑफ मेजर्स है जिसे सेंट्रल बैंक एग्रीड हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ये जो मेजर्स हैं इन्हें जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेसल कमिटी है बैंकिंग सुपरविजन की वो इसीलिए बनाए गए थे ड्यू टू द क्राइजिज फाइनेंशियल क्राइजिज ऑफ टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड नाइन ताकि बैंक्स के रेगुलेट को मजबूत रेगुलेशन को मजबूत किया जा सके एंड रिस्क को भी देखा जा सके विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम नाउ व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि सिक्स पर्सन जो एसोसिएटेड थे तबलीकी जमात से कल हमने पढ़ा था कि तबलीकी जमात क्या होता है उनको अक्यूज पाया गया कि वो मिसबिहेव कर रहे थे विमेन स्टाफ के साथ एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद एंड अब उन्हें एन एस के अंदर चार्ज किया जाएगा एन एस जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है फॉर मंथ्स अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाए कि जो पर्सन है वो खतरा है नेशनल सिक्योरिटी लॉ या फिर ऑर्डर के लिए जो पर्सन है नीड नॉट बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन इसके थ्रू गोल यही है कि इंडिविजल्स को प्रिवेंट किया जा सके कि वो कोई क्राइम ना करे ये इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को लाया गया था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंडस क्या हैं कोई भी पर्सन जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए ज्युडिशियल हो फॉरेन पावर से सिक्योरिटी के लिए एंड कंटिन्यू प्रेजेंस हो किसी फॉरनर की इंडिया के अंदर एंड को प्रिवेंट करना उनको कोई भी ऐसा एक्ट वो ना करें जो कि स्टेट के खतरे के लिए हो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ट्वेंटी टू सबसेक्शन थ्री सबसेक्शन बी तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एंड रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं पर्सनल लिबर्टी पे अगर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर की बात हो तो जो ट्वेंटी टू सबसेक्शन फोर है वो ये कहता है कि कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल एथोराइज़ द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लॉन्गर देन थ्री मंथ्स जब तक एडवाइजरी बोर्ड कोई सफिशेंट कॉज ना दे फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन ने जो आपके मरारजी देसाई के टाइम पर हुआ था शायद एंड यहाँ पर जो टाइम था वो थ्री से टू मंथ्स कर दिया गया था ओके हम ये डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि मुरारजी देसाई के टाइम पे लेकिन आपको पता होगा कि 42 टू अमेंडमेंट नाइनटीन थोड़ा इंदिरा गांधी से रिलेटेड है दैट्स वाई तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल है उसको डिटेन किया जा सकता है बिना चार्ज के 12 महीने तक एंड स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता है कि पर्सन को डिटेन किया गया है एंड टेन डेज़ के अंदर बिना उनको उनके चार्जेस बताए हुए भी डिटेन किया जा सकता है जो पर्सन है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर भी लेकिन लॉयर नहीं मिलता ड्यूरिंग द ट्रायल जो एन है वो रिपीटेडली कम अंडर क्रिटिसिज्म जो कि पुलिस यूज करती है लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी टू में कि चौदह लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव लॉस के अंदर लिया जाता है जिकोनियन क्यों है क्योंकि अगर पर्सन को अरेस्ट करा गया तो राइट्स भी उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी तो सेक्शन 50 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, उसे इन्फॉर्म कीजिए लेकिन एन के अंदर टेन डेज उसे बिना रीजन बताए हुए भी रखा जाता है फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी सिक्स गारंटी करता है कि डिटेन पर्सन को कोर्ट के सामने ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर लाना होगा लेकिन आर्टिकल ट्वेंटी टू सबसेक्शन वन जो है वो डिटेनिंग को अलाउ भी करता है कि वो लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं लीगल प्रैक्टिशनर से लेकिन एन एस ए के अंदर ये बेसिक राइट्स भी परमिट नहीं की जाती नाउ एम पी लेट सस्पेंडेड तो यूनियन कैबिनेट ने थर्टी परसेंट कट अप्रूव कर दिया है इन द सैलरीज ऑफ ऑल एम पीज एंड टू ईयर का सस्पेंशन ऑफ़ एम पी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ताकि जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोविड नाइन्टीन से फाइट करने में जाए इस रिगार्ड में एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया गया कि सैलरीज अलाउेंसेज एंड पेंशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर की के अंदर जो सैलरीज है एम पी की वो थर्टी परसेंट तक कम की जाएगी एंड अब जो कॉन्सोलीटेड अमाउंट है एम पी लैड फंडस की फॉर टू ईयर्स मीन्स सेवनटी नाइन हंड्रेड करोड्स वो कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा एम पी लैड स्कीम नाइनटीन नाइनटी थ्री में लॉन्च की गई थी जहाँ पे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो किसी भी जूरेबल कम्युनिटी एसेट्स को क्रिएट करें बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड करें ये एक प्लान स्कीम थी जिसे फुल्ली फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो फाइव करोड़ रुपीज़ है जो बाई द टाइम बिंग बार बार बढ़ाई गई है एम को हर साल रिकमेंड किया जाता है कि वो वर्क करेंगे फिफ्टीन परसेंट इन्ेबिटेड बाई द जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन हो एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एस उनके बेटरमेंट ऑफ के लिए सेवनटी फाइव लैख की सीलिंग है कि एसेट्स बिल्ड किए जाएंगे वर्क करेंगे ओके पब्लिक हेल्थ के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए एजुकेशन सैनिटेशन के लिए जो फंड्स हैं वो ग्रांट्स इन एड के फॉर्म में मिलते हैं जो फंड्स हैं वो नॉन लैपसेबल हैं जो लाइबिलिटी है वो कैरिड फॉरवर्ड की जाती है अगर उसी साल पैसे खर्च ना हो तो जो एम पीज हैं उनका रिकमेंडरी रोल है इस स्कीम के अंदर वो चॉइस ऑफ वर्क्स बताते हैं एंड जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो एग्जामिन करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क सेंक्शन फंडस लोकसभा मेंबर्स रिकमेंड कर सकते हैं वर्क्स को इन दियर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा के वो रिकमेंड करेंगे वर्क्स को इन द स्टेट जहाँ से वो इलेक्ट हुए हों नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन ऑल्सो डू द सेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एनी वेयर इन द कंट्री पी सी पी एन डी टी एक्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्लैरिफाई किया है कि वो इस एक्ट को सस्पेंड नहीं करने जा रहे हैं जिससे सेक्स सलेक्शन को प्रोहिबिट किया जाए बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन ऑन गोइंग लॉकडाउन कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की वजह से जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया फोर अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी को कि वो सभी प्रोविजन को डिफर एंड सस्पेंड करेंगे अंडर द पी सी एंड पी एन डी टी नाइनटीन सिक्स एंड

94, फोर उसे सस्पेंड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पी सी पी एन डी टी एक्ट प्री कन्सैप्शन एंड प्री नेट्रल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एक्ट नाइनटीन नाइन्टी फोर को इनैक्ट किया गया था बिकॉज क्योंकि सेक्स रेशो डिक्लाइन हो रही थी नाइनटीन जीरो वन में नाइन सेवनटी टू थी नाइनटीन नाइन्टी वन में नाइन ट्वेंटी सेवन हो गई मेन पर्पज यही है कि सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स को बैन किया जा सके एंड हेल्प किया जा सके प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए इस एक्ट को अमेंड किया गया था टू थाउजेंड थ्री में ये ध्यान रखिएगा अगेन सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया ओके okay, तो इसके अंदर नाउ सारे गुड पॉइंट्स हैं कि जो प्रोहिबिशन है सेक्स सिलेक्शन की रेगुलेट करते हैं यूज़ ऑफ़ प्री नेटल टेक्निक्स कोई लेबोरेटरी या सेंट्रल जो है वो टेस्ट नहीं कंडक्ट करेगा यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी ताकि जो सेक्स ऑफ वाइटस है वो पता लगाया जा सके कोई भी पर्सन जो कि ये काम करेगा उसको वो विल कम्युनिकेट द सेक्स मीन्स टू रिलेटिव बाई या एनी अदर मैथड तो ऐसा कोई काम नहीं करना है एंड एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी इसको फैलाया गया फाइन भी है टेन थाउजेंड रुपीज़ का तीन साल की सज़ा भी है एंड ये एक्ट मैंडेट करता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा सभी डायग्नास्टिक लेबोरेटरीज़ का सभी जैनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स का जैनेटिक लेबोरेटरीज़ का जेनेटिक क्लिनिक्स का एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का ले भी ना एपिडेमिक्स रीड अबाउट एपिडेमिकसीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस है उसे प्रोमलगेट कर दिया है ताकि कोविड 19 के स्प्रेड को रोका जा सके और उसे डील किया जा सके सेक्शन थ्री ऑफ द एपिडेमिक एटीन एक्ट 1897 को अमेंड करके तो एपिडेमिक डिसीज़ ऑर्डीनेंस ट्वेंटी क्या है कोई भी अगर रेगुलेशन को नहीं मानेगा तो उसको दो साल की सजा और दस हज़ार रुपये का फाइन लगाया जाएगा ये जो ऑफेंसिस हैं ये

कि अगर पब्लिक प्लेस में मास्क वेयर नहीं किया तो वो भी ऑफेंस है पहले तीन इंस्टेंसेस के अंदर टू हंड्रेड रुपीज़ का फ़ाइन एंड अगर उसके बाद भी यही रहा तो फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ का फ़ाइन भी लगाया जाएगा अब एपिडेमिक डिसजेज़ एक्ट 1897 क्या था तो ये भी इसीलिए मतलब अप्लाई किया गया था ताकि जो डिसीजेज़ का आउटब्रेक है उसके साथ डील किया जा सके जैसे स्वाइन फ्लू डेंगू एंड कॉलेरा इसे इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ताकि जो बुबोनिक प्लैग था उसके एपिडेमिक को रोका जा सके जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1890 के टाइम पे बहुत फैल गया था इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया क्योंकि इसका अब्यूज़ किया गया एंड 1897 में जिस साल इसको एनफोर्स किया गया तो उसी आ, ईयर के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 18 महीने डेढ़ साल की सजा भी हुई थी जब उनके न्यूज़पेपर केसरी और महारथ ने इम्पीरियल अथॉरिटीज को एडमोनिश किया था कि वो प्लेग को एंडेमिक एपिडेमिक ट्रीट करके किस तरीके से काम कर रहे हैं 1897 का एपिडेमिक डिसजेज एक्ट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को एम्पावर करता है कि वो स्पेशल मेजर्स ले सकते हैं रेगुलेशन बना सकते हैं इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए टेम्पररी रेगुलेशन भी बना एंड ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से एंड कहां से जो खर्चे हो रहे हैं वो डिफ्रे करेंगे या फिर नहीं करेंगे कैसे होगा जो इंस्पेक्शन है पर्सन की जो ट्रेवल कर रहे हो बाय रेलवे वो भी इसके अंदर अवेलेबल होता है पेनल्टीज हैं अगर ऑबे नहीं करेंगे रूल्स को एंड ये सेक्शन 188 एट्टी एट ऑफ आई पी सी के अकॉर्डिंग है लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स को अंडर दिस एक्ट ये हम ऑलरेडी कर भी चुके थे नाउ एग्जाम्पल्स ट्वेंटी एटीन में गुजरात के वडोदरा में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि जो खेड़कर um, सिया विलेज है वघोडिया के अंदर वो अफेक्टेड है एंड थर्टी वन परसेंट्स कम्प्लेंट पाए गए हैं ट्वेंटी फिफ्टीन में मलेरिया एंड डेंगू के साथ डील करते हुए चंडीगढ़ में पाँच सौ रुपये के चलान भी लगाए गए थे टू थाउजेंड नाइन में स्वाइन फ्लू आउटब्रेक को रोकने के लिए पुणे में सेक्शन टू जो था उसकी पावर्स उस यूज़ की गई थी ताकि ओपन स्क्रीनिंग सेंटर सिविक हॉस्पिटल्स में अप्लाई किए जा सकें अक्रॉस द सिटी एंड स्वाइन फ्लू को नोटिफेबल डिसीज़ भी डिक्लेयर किया गया था नाउ गवर्नमेंट अमेंड्स द एक्सटेंड एफ डी आई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने एफ डी आई पॉलिसी के जो सेक्शंस हैं उसे अमेंड किया है ताकि अपर्चुनिस्टिक टेक ओवर एंड एक्विजिशंस को जो इंडियन कंपनीज की हो रही है कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक की वजह से उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है आपको पता होगा पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार नेपाल भूटान चाइना अफगानिस्तान एंड जो मूव है वो डायरेक्टली मींस चाइना के प्रति है चैलेंजेस क्या हैं जितने भी एफडीआई प्रपोजल्स आए हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आएंगे जो भी ऑटोमेटिक रूट हैं जिसके अंदर सेंट्रल बैंक जो है उसको सिंपली इन्फॉर्म करना होता है कि कितना मनी इन्वेस्ट किया जाएगा वो अब ब्लॉक कर दिया गया है वो कंपनीज जिनका बेनिफिशियल ओनरशिप इन कंट्रीज के अंदर लाए करता हो वो गवर्नमेंट स्क्रूटनी के थ्रू ही होकर गुजरेंगे नाउ इन मेजर्स की जरूरत क्यों है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक की वजह से लगाया गया था तो काफी इंडियन बिजनेसिस जो हैं वो मीनस नुकसान में हैं एंड उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो प्लमिटेड हो गया है काफी डोमेस्टिक फर्म्स वेलेबल हैं कि उनका टेकओवर या एक्विजीशन हो सकता है फॉरन प्लेयर्स के थ्रू एंड जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है उन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बनाया है थ्रू द स्टॉक मार्केट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एच के लिए एंड उसमें उनका 1.01 परसेंट स्टेक भी है एफ़ डी आई पॉलिसी को नेबर्स के लिए कैसी हैं तो नॉन रेजिडेंट एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है एफ डी आई पॉलिसी के थ्रू लेकिन उन सेक्टर्स में नहीं जो प्रोहिबिटेड हैं लेकिन जो सिटीज़न हैं बांग्लादेश के या कोई एंटिटी जो बांग्लादेश में हो वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करेगी इसके अलावा भी जो सिटीज़न हो पाकिस्तान का या पाकिस्तान में एंटिटी हो जो वहाँ इनकॉर्पोरेटेड हो वो भी गवर्नमेंट के रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करेगी अदर देन डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी एंड कुछ सेक्टर्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं वो तो करने करने नहीं है उसके अलावा भी गवर्नमेंट रूट से परमिशन लेनी होगी मीन्स गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होगी कंसर्न्स एंड अन इंटेंडिड इम्पैक्ट क्या हैं ये जो अमेंडमेंट पॉलिसी है इससे हर टाइप के इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज इन्वेस्टर्स करेंगे उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिएगा तो उससे अन इंटेंडिड प्रॉब्लम जो होंगी मीन्स ये जो ब्लैंकेट एप्लीकेशन है इससे अन इंटेंडिड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं तो ये इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं एंड ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर रहे कि अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या हैं जैसे कि इंडस्ट्री प्लेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कैपिटल इंडिया तो चाइना का जो फुटप्रिंट है इंडिया स्पेस में वो काफी ज्यादा फैला हुआ है 2014 से ही 1.6 बिलियन था 2014 में फिर 2017 में आप देखेंगे तो 8 बिलियन डॉलर्स हो गया एंड 2020 में देखेंगे तो 26 बिलियन डॉलर्स हो चुका है ठीक है तो ये इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से मार्केट की वजह से इनका जो करंट एंड जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो अब 2020 में 26 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है गवर्नमेंट इथानोल की प्रोडक्शन को क्यों इंकरेज कर रहा है अगेन ये टॉपिक हम कर चुके हैं बट एक दो स्टूडेंट्स हैं एक एसपेरेंट्स हैं जो कि जिन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप मत करिए तो देखिए मैंने तो कोई टॉपिक स्किप नहीं किया मैंने कहा कि हम, हम वो टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी वीडियोस के अंदर कर चुके हैं तो अगर आप सभी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपको वो टॉपिक्स आते होंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने फाइव या सिक्स टाइम्स किए हैं अगर आप जून से लगातार देखेंगे सभी वीडियोस को तो सभी टॉपिक्स हमने किए हैं तो इसलिए हो जाता है ऐसे क्योंकि जब आप कई बार किसी टॉपिक को रिपीट कर रहे होते हैं तो लगता है कि ये तो हमने कर लिया है लेट्स स्किप इट क्योंकि इसके नोट्स भी बन जाए बन गए होंगे एंड ऑल तो स्टिल मैं लेकिन आज सभी के लिए जो स्टूडेंट्स सभी वीडियोज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं बट उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सभी टॉपिक्स दोबारा से कराऊँगी ओके सो वाई गवर्नमेंट इज़ एनकरेजिंग इथानॉल प्रोडक्शन तो सरप्लस राइस जो है वो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है जिसको इथानॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड फिर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजरस एंड आप का उसको ब्लैंड किया जा सकता है इन पेट्रोल इसके रिगार्ड में जो अप्रूवल है वो दिया नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यहाँ तक कि जो शुगर मिल्स हैं उनको भी रैंप अप किया गया हैंड सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के थ्रू टू ऑलमोस्ट वन लैख लीटर्स पर डे ताकि जो इसकी राइजिंग डिमांड है उसको देखा जा सके ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ई बी पी प्रोग्राम टू थाउजेंड थ्री में लॉन्च किया था ताकि जो इथानॉल की ब्लैंडिंग है इन पेट्रोल उसको चेक किया जा सके किन्वायरमेंटल कंसर्नस क्या हैं फॉसल फ्यूल बर्निंग की वजह से फार्मर्स को रेम्यूनोरेशन देना क्रीड इम्पोर्ट्स को सब्सिडाइज करना फॉरेक्स सेविंग्स को बढ़ाना तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूज 2018 के अंदर जो आई थी उसने कहा था कि एग्रीकल्चर क्रॉप जो है प्रोजेक्टेड किया था कि जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने कि इसके थ्रू जो सरप्लस क्वांटिटी होगी फूड ग्रेन की उसे इथानोल में कन्वर्ट किया जाएगा एंड ये एन के अप्रूवल पर ही होगा नाउ इथानॉल एंड मुलासिज होते क्या हैं इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड है जिसके काफ़ी सारे यूजेज हैं 95 परसेंट प्योरिटी के साथ इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है एंड इन टॉक्सीगेंट इरीगेटिंग इन्ग्रीडियंट की तरह यूज होता है ये अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर नाइन्टी परसेंट प्योरिटी है इथानोल यूज किया जाता है फॉर ब्लैंडिंग विद पेट्रोल दोनों ही प्रोडक्ट्स मुलासिब से बनते हैं जो बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मैनुफैक्चरिंग का शुगर बनाने के लिए जो मिल्स हैं वो क्रश करती हैं शुगर केन को जिसके अंदर जो टोटल फर्मेंटेड शुगर्स कंटेंट होता है वो 14 परसेंट तक पाया जाता है एंड जो टी एफ एस है उसके अंदर सुक्रोस भी होता है रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी होता है एंड देन इनको क्रिस्टलाइज़ किया जाता है शुगर में एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है मुलासिस तो मुलासिस के तीन स्टेजेस हैं ए बी एंड सी ये देखिए कुछ ऐसे डाटाज होते हैं जिन्हें रटना ही ठीक रहता है तो इनको आप रट लें कि कितना परसेंट क्या है तो मुलासिस जो होते हैं वो अनक्रिस्टेलाइज्ड एंड नॉन रिकवरेबल है जब लास्ट में बसते हैं जो सी है उसके अंदर फोर केन होता है एंड टी एफ एस मतलब टोटल फर्मेंटेबल शुगर्स आफ्टर सी मोलासिस इथानोल उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड हर हंड्रेड के जी टी एफ सी से टी एफ एस से सिक्सटी ऑफ इथानोल मिलता है सो so, एक टन ऑफ केन से जो मिल्स है वो एक सौ पंद्रह किलो शुगर यानी कि 11.5% पॉइंट फाइव परसेंट रिकवरी 45 kg के को प्रोड्यूस करते हैं जिससे 10.8 पॉइंट एट लीटर्स ऑफ इथानोल मिलता है क्या और इथानोल प्रोड्यूस किया जा सकता है तो मिल्स इथानोल को प्रोड्यूस कर सकती हैं शुगर केन से बिना शुगर को प्रोड्यूस किए हुए इन केसेज में जो पूरा फोर्टीन परसेंट है उसे फर्मेंट किया जाएगा एंड बिल जो है मिल जो है वो एट्टी फोर लीटर्स ऑफ इथानल एंड जीरो के जी ऑफ शुगर यूज़ कर सकती हैं इन टू एक्सट्रीम केसेज में टू इंटरमीडिएट ऑप्शन हैं या तो जो केन जूस है उसको क्रिस्टलाइज ना किया जाए टिल द फाइनल सी मुलासिज स्टेज एंड जो मुलासिज है फिर उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा आफ्टर ए एंड बी स्टेजेस ऑफ शुगर क्रिस्टल फॉर्मूलेशन जो मिल्स होंगी वो शुगर प्रोड्यूस करेंगी एंड uh, ये अपोज्ड है टू फर्मेंटिंग द होल शुगर केन जूस विद इथानोल देन आपका जो इथेनॉल है अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है बी हैवी मुलासिस के साथ मतलब सेवन पॉइंट फाइव परसेंट केन एंड टी एफ एस फिफ्टी परसेंट तो ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव लीटर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस किए जाएंगे अलॉन्ग विद नाइन्टी फाइव के जी फ्राम एवरी वन टन ऑफ केन इनको आप एक बार और सुन लीजिएगा क्या फोकस वाई फोकस ऑन मोर इथेनोल क्योंकि इथेनोल ही ओन रियल सेवियर है मिल्स के लिए भी केन ग्रोअर्स के लिए भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इथेनोल के प्राइस भी बढ़ा दिए हैं एंड फ्रॉम दिसंबर फर्स्ट 2019 नाइनटीन एंड जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स उसने भी अलाउ कर दिया है कि ओल्ड शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसे फैसिलेट किया गया है गवर्नमेंट के साथ ताकि टेन परसेंट ब्लैंडिंग जो है वो मैंडेट की जा सके पेट्रोल की इथानॉल के साथ ना विजय माल्या लूज एक्स्ट्राडिशन अपील इन यूके तो यूके के हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है फ्यूजिटिव लिक्विड बैरोन विजय माल्या की अपील अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इशू क्या है माल्या एंड उसकी जो फॉर्म थी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के स्कैनर में आई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपका सी बी आई के अंदर आता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड सेबी की लोन डिफॉल्ट किया है टेन थाउजेंड करोड़ रुपीस का जो कि इंडियन बैंक से लिया उन्होंने बाय द एसबीआई जो माल्या है उस उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए चीटिंग के क्रिमिनल क्रॉस कॉन्सपेरेसी के मनी लॉन्ड्रिंग के एंड किस तरीके से डाइवर्ट किए लोन फंड्स एंड कुछ ही कंपनीज अ फ्यू ऑफ ऑफिस कंपनीज जैसे कि किंग फिशर एयरलाइंस उनको वॉयलेट उन्होंने वॉयलेट भी किया कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन एंड सेवी के नॉर्म्स को लेकिन माल्या ने डनाई कर दिया कोई भी रॉन्ग डूइंग चार्जेज अगेंस्ट माल्या क्या है एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने माल्या को चार्ज किया अंडर सेक्शन थ्री एंड अंडर सेक्शन फोर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सी बी आई ने चार्ज किया माल्या को अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी बी दैट इज क्रिमिनल क्रॉस कॉन्स्पेरेसी फोर ट्वेंटी चीटिंग 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी एंड 13 सबसेक्शन डू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अब विजय माल्या के पास ऑप्शन क्या है माल्या के पास 14 डेज हैं कि वो यूके हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करें ताकि उन्हें परमिशन मिले कि एन एप्लीकेशन ये सर्टिफाई करने के लिए दैट अ पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस हैज बिन ओवर लुक्ड बाई बोध मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट ने ऐसी परमिशन दे दी तो वो अपील कर सकते हैं अगेंस्ट एक्सट्राडिशन ऑर्डर इन यूके सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट ने भी परमिशन को रिफ्यूज कर दिया तो माल्या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाएंगे ऐसे सिचुएशन में जो केस होगा वो यू के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट के पास जाएगा फॉर अ फाइनल डिसीजन ऑन एक्स्ट्रा डिशन एंड अगर सेक्रेटरी ने कंसेंट दे दिया तो माल्या कैन बी एक्स्ट्रा डिटेड टू इंडिया पर्सन जो कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित हुए तो विजय माल्या पहले पर्सन है जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर किए गए ध्यान रखिएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो ऑफेंडर है जिसके खिलाफ अरेस्ट वॉरेंट हो कितने ऑफ़ेंस के लिए हंड्रेड करोड़ या हंड्रेड से ज़्यादा के लिए एंड वो इंडिया से भाग गया हो ताकि लीगल एक्शन ना लिया जा सके प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी स्पेशल कोर्ट के अंदर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू जिसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट करनी है एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन है ऑफ द पर्सन वेयर अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया पर्सन के लिए कि वो इस स्पेसिफाइड प्लेस एंड डेट पर आए एटलीस्ट सिक्स वीक्स फ्रॉम द इशू ऑफ नोटिस प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया गया इफ द पर्सन टर्मिनेट हो जाती हैं अगर पर्सन अपेयर करता है अगर अपेयर नहीं करता तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मान लिया जाता है एक पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अगर डिक्लेयर कर दिया है तो वो हाईकोर्ट के अंदर प्रोक्लेम करे विद इन थर्टी डेज ऑफ सच डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ट्वेंटी एटीन ना वी विल रीड अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल ट्वेंटी नाइनटीन तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर कुछ सजेशंस दिए हैं इसके थ्रू अमलगमेट होंगे ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन सेंटर एक फॉर्मल एंड कंडक्टिव इंडस्ट्रील रिलेशन सिस्टम बनाएगा ताकि प्रोविजन को स्ट्रेंदन किया जा सके अगर नेचुरल कैलामिटीज हो तो वेजेस पे की जाएंगी वर्कर्स को जब तक के इंडस्ट्री री ना हो जाए एक सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव चैप्टर भी क्रिएट किया जाएगा ताकि राइट्स बताई जा सके एम्प्लॉय की भी एंड एम्प्लॉयर की भी यूनियन लेबर मिनिस्ट्री स्कीम वर्कर्स को भी इंक्लूड करेगी जैसे कि आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील की डेफिनेशन ऑफ वर्कर क्या है जो गवर्नमेंट है वो कंसोलिडेटेड एंड मर्ज डेफिनेशन देगी वर्कर एंड एम्प्लॉय की ताकि सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स को एक प्लेस मिल सके ओके सो बिल का ओवरव्यू यही है कि कंपनीज जो है वो वर्कर्स को हायर करें ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनी ड्यूरेशन एंड जो थ्रेशोल लो वो हंड्रेड का हो फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर रिटरेंचमेंट टू मेंबर ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल बने एक मेंबर की जगह एंड जो भी पावर हो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास हों अगर कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं पेनल्टी फाइन्स रिकॉग्निशन करना होगा नेगोशिएटिंग यूनियन का इस कोर्ट के अंदर जो जस्टिस का सर्विस का जो टर्मिनेशन है वो इसी बेसिस पे लाइक करेगा अगर टेन्योर कंप्लीट हो जाता है इन अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो उसे रेटरेंचमेंट नहीं माना जाएगा रीस्किलिंग फंड भी बनाए जाएंगे ताकि रेटरेंज एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जा सके एंड इन्हें फिफ्टीन डेज की वेजेस भी मिलेंगी विद इन फोर्टी फाइव डेज ऑफ रिटरेंचमेंट तो इससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो जून क्वार्टर में फाइव परसेंट तक ग्रू हुई सिक्स ईयर लो था ये एंड जो कंपनी कंट्री का जो फैक्टर आउटपुट है वो भी कम रहा 4.3% परसेंट ही रहा सितंबर में अगेन अप्रैल ट्वेंटी से कम है वर्स्ट रहा एंड लेबर लॉस को भी इजी इसीलिए किया गया है ताकि मोर एंटरप्राइजेस खुलें एंड जो क्रिएशन हो सके किसकी इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कहाँ हमारी कंट्री इंडिया के अंदर मनरेगा एम जी एन आर ई जी ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो एक पी आई एल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि फुल वेजेस सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं मनरेगा के अंदर वो उन्हें दिए जाएं ड्यूरिंग द ट्वेंटी वन डे नेशन लॉकवाइ ड्यू टू तो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक आउटब्रेक पी आई एल ने अर्ज किया टॉप कोर्ट को कि वो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस इशू करें सभी स्टेट सभी यूनियन टेरेटरीज को कि लॉकडाउन के दौरान जो भी ड्यूरेशन था एटलीस्ट ऑल एक्टिव या जो रजिस्टर्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं मनरेगा एक्ट के अंदर उन्हें वर्क टू बी विल ये माना जाए कि हाँ वो वर्क पर ही थे एंड उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दी जाए फुल पेमेंट दी जाए एट द अर्एस्ट ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ये भी कह रहे हैं कि एपेक्स कोड जो है वो हंड्रेड डेज की जगह अब टू हंड्रेड डेज कर दे ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि इंडिविजुअल टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी इशू करें विद इन फिफ्टीन डेज़ उन सभी माइग्रेंट्स को जो सिटीज से अपने विलेज़ के अंदर आ गए हैं तो मनरेगा एक प्रोग्राम है जो कि लाइफलाइन लाइफ है रूरल वर्कर्स की इस डिस्ट्रिक्ट सरकम के अंदर एंड ये कम्प्लीटली अनफेयर रहेगा कि अगर मनरेगा जो है वो सपोर्ट ना कर पाए इन रूरल वर्कर्स को जब कंट्री एक वर्स्ट चैलेंज फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का एंड 12.2 करोड़ लेबरर्स जो हैं वो काम करते हैं मनरेगा के अंदर हर साल मनरेगा मीन्स द राइट टू वर्क इसके बेसिस पर यह है कि टिनेट यही है कि लीगली प्रोवाइड किया जाएगा कम से कम हंड्रेड डेज का वेज इंप्लॉयमेंट रूरल इंडिया में ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके तो पेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है सौ दिन से कम की नहीं प्रो एक्टिव इंश्योर सोशल इंक्लूजन लाइवलीहुड बेस को मजबूत करना है ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने हैं जैसे कि वेल्स पोन्स रोड्स कैनाल्स रिड्यूस करना है अर्बन माइग्रेशन क्रिएट करने हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग अन टैब्ड रूरल लेबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए जॉब सीकर की 18 साल हो गई हो जो एप्लीकेंट हो वो लोकल हाउस होल्ड का पार्ट हो एंड मस्ट वॉल्टियर फॉर अनस्किल्ड लेबर कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसकी एंटायर इम्प्लीमेंटेशन देखता है इंडिविजअल बेनिफिशरी ओरियंटेड वर्कस भी हैं फॉर एस सी एंड एस टी विद इन फिफ्टी डेज़ ये भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें जो बेनिफिट मिलता है वो इंदिरा गांधी योजना के अकॉर्डिंग मिलता है पंद्रह दिन के अंदर अंदर जब वर्क डिमांड किया जाएगा वेज एम्प्लॉयमेंट अब प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेंट को बेरोजगारी भत्ता लेना भी राइट right है एंड ये इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन फिफ्टीन डेज सोशल ऑडिट मनरेगा का करना मैंनेडेट्री है ताकि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आए ग्राम सभा जो है वो प्रिंसिपल फॉरम है वेट सीकरस के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं एंड डिमांड्स को करें ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत में जो कि वर्कर्स को शेल्फ प्रोवाइड करता है अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायरिटी ग्राम सभा का क्या रोल क्या है प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स को अरेंज करना मॉनिटर करना एग्जीक्यूशन ऑफ़ वर्क्स ग्राम पंचायत का एप्लीकेशन्स रिसीव करना वेरीफ़ाई करना हाउस होल्ड्स को रजिस्टर करना जॉब कार्ड्स इशू करना एप्लीकेशन रिसीव करना डेट्स इशू करना वर्क देना विद इन फिफ्टीन डेज जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है आइडेंटिफाई करना प्लानिंग करना वर्क की शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स डिवेलप करना इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन थर्टी टू के अकॉर्डिंग पूरे रूल्स बनाए जाएंगे ताकि डेवलप एंड नोटिफाई किया जा सके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल बनाई जाएगी स्टेट लेवल मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई जाएगी जिसके अंदर हाई के प्रोफेशनल्स होंगे स्टेट लेवल मनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी बनाई जाएगी ताकि एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल हों एंड इस्टेबलिश एंड ऑपरेट किया जाएगा स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ़ंड को भी नव प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना दोबारा से बता दूँ ये हमने कर लिया है लेकिन मैं आपको ये दोबारा रिवाइज कराऊंगी फार्मासिस्ट जिन्हें स्वस्थ के सिपाही कहा जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर वो इसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स के डोर स्टेप पे एंड जल्दी से जल्दी अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाउ जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो इसेंशियल सर्विसेज देते हैं जेनरिक मेडिसन्स भी देते हैं एट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड एल्डरली पर्सनस को भी एट देयर डोर स्टेप्स ताकि कोरोना पेंडेमिक से फाइट किया जा सके इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया था ताकि क्वालिटी मेडिसन्स मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के थ्रू जो फार्मा ऑफ ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पीएसयूज़ ऑफ इंडिया है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बीपीपीआई को दैट इज़ फार्मा ऑफ ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस इसे, इसे इस्टेबलिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द सी फीचर्स क्या हैं क्वालिटी मेडिसिन देना क्वालिटी जनरिक मेडिसिन को फुल कवर करना अवेयरनेस क्रिएट करना पब्लिक प्रोग्राम जिसके अंदर गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर एनजीओ सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव बैंक्स अदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हों तो डिमांड क्रिएट करना जेनरिक मेडिसिन की ताकि एसेस मिल सके बेटर हेल्थ केयर के लिए थ्रू लो ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड ईजी अवेलेबलिटी जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की कोई डेफिनेशन नहीं है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में बट जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो उन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि ब्रांडेड का बट जेनरिक मेडिसिन के जो प्राइजेज होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रांडेड वन कैसे रेगुलेट किए जाते हैं अगेन जो ड्रग्स हैं वो मैनुफैक्चर होते हैं इन इंडिया में एंड उन्हें सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है एज अप्लाइड और एज ए रिटर्न इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड 1945। चार्टिंग फाइव कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम तो इंडिया जो है बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो सेंटर ने कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम बनाया एंड ये क्या है कि स्टेट्स को कुछ मेजर्स उठाने होंगे सपोर्ट एंड रिलीफ के लिए सेंटर्स ने इस एफर्ट को लीड किया ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑप्टिमाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन आ सके जो रोड मैप है वो फॉरवर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा मिडिल क्लास को मीडियम को एंड स्मॉल स्केल बिजनेसिस को भी ये फोकस एम मेनली फोकस करता है डेली वेज अर्नर्स पर लेबरर्स पर माइग्रेंट वर्कर्स पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सप्लाई चेन डिसरप्शन फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मीडियम एंड जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं फोर पॉइंट टू फाइव रजिस्टर्ड एम एस एम ईज हैं जो कि ट्वेंटी नाइन परसेंट इंडिया के जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं एंड अब ये हार्डेस्ट हिट हुई बाई कोविड नाइन्टीन मिडल क्लास भी फेस करेंगे ग्रोइंग वलरेबिलिटी तो एक है आपका न्याय दैट इज न्यूनतम आय योजना एंड मिनिमम कॉमन गारंटी प्रोग्राम तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी यूज करेगा लिस्ट एज अ टेम्पररी मेजर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब ये जो है ये बंद होने जा रही है तो 1.51 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए एल पी जी इस महीने में एंड काफ़ी सारे रिलीफ मेजर्स जो थे वो अनाउंस किए वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए कि थ्री एल पी जी सिलेंडर्स फ्री मिलेंगे एट करोड़ बेनिफिशरीज़ को ओवर द पीरियड अप्रैल टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो फिफ्टी टू सिक्सटी लाख सिलेंडर्स पर डे देंगी मीन्स एट्टीन लाख फ्री सिलेंडर्स टू पी एम यू बेनिफिशरीज तो इसमें अभी नहीं लिखा है कि ये बंद होने जा रहा है तो ये सिर्फ यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्या क्या है अगर आगे आएगा तो मैं आपको बता दूँगी एल प्रोवाइड करना होता है पुअर हाउस होल्ड्स को सिक्सटीन हंड्रेड रुपी का असिस्टेंस देना होता है एलिजिबिलिटी वमेन होनी चाहिए 18 ईयर से अबव की हो सिटीज़न हो बी कार्ड हो एल कनेक्शन ना हो फैमिली की जो इनकम है वो स्टेट uh, गवर्नमेंट से या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट से एक्सीड ना कर... जो नेम ऑफ एप्लीकेंट हो वो एस सी 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 ट्वेंटी अलेवन डाटा में होना चाहिए एंड एप्लीकेंट किसी और सिमिलर स्कीम का रिसिपेंट ना हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइडेड हो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव यही हैं वीमेन को इम्पावर करना है उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है सीरियस हेल्थ हेजार्ड को रिड्यूस करना है एंड जो नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू अन क्लीन कुकिंग फ्यूल वो रिड्यूस करना है यंग चिल्ड्रन को सेफ करना है ताकि एक्यूट रेस्परेटरी इलनेसिस ना हो जो कि इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल नाउ ऑर्डिनेंस टू अमेंड तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस पास किया गया ताकि एपिडेमिक डिसीजे एक्ट एटीन नाइनटीन को अमेंड किया जा सके तो ये तो इसी वीडियो में किया गया है तो इसको रिपीट नहीं करते हैं ओके okay? नाउ वी विल रीड अबाउट हुआ चकमाज एंड हजोंग्स अभी देखिए ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं चकमाज एंड हजोंग्स लेकिन मैं दोबारा से आपको कराऊंगी ह्यूमन राइट बॉडी राइट्स एंड रिस्क एनालिस ग्रुप ने आर आर ए जी ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इंटरवेंशन हुई कि चकमाज एंड जो हजोंग्स हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनके थ्रू जो इंटरवेंशन हुई उनके बीच में उसकी वजह से हंगर एंड स्टारवेशन फेल कर रहे हैं फेस कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पैकेज के अंदर वो इंक्लूड नहीं इशू क्या है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अकॉर्डिंग इन डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें फाइव के जी राइस एंड वन के जी पर हेड मिलते हैं लेकिन क्योंकि चकमाज एंड हजोंग्स जो हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो अक्टूबर ट्वेंटी फाइव नाइनटीन वन से जो सीज कर दिए गए थे तो इन टू कम्यूनिटीज को राइस खरीदना पड़ रहा है एट अ हाइर प्राइस थर्टी थ्री परसेंट बाईस हजार सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव चकमाज में से एंड हजोंग्स जो हैं वो बच्चे हैं एंड हंगर एंड स्टारवेशन की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं तो फूड का डिनाइल एक वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ है जो कि आर्टिकल ट्वेंटी वन में भी गारंटेड है तो चकमाज एंड जो हजोंग्स हैं ये बेसिकली रेजिडेंट है चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स के ईस्ट पाकिस्तान के एंड उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ दिया था जब इन्हें सबमस्ट किया गया था कापटाई डैम प्रोजेक्ट के थ्रू इन नाइनटीन सिक्सटी बुद्धिस्ट है उन्होंने मेजोरिटी ऑफ दैम को मूव कर दिया था टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है इनके जो नंबर्स हैं वो पांच हजार से अब वन लैख हो गए हैं एंड इनके पास सिटीजनशिप एंड लैंड राइट्स नहीं है लेकिन इनको बेसिक एमिनिटीज स्टेट गवर्नमेंट देती है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन वैक्सीनेशन तो यूएस बेस्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन पाया गया मॉर्बिडिटी के कम होने का एंड मॉर्टेलिटी का जिसकी वजह से बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन वैक्सीनेशन बी वैक्सीनेशन एक गेम चेंजर रहेगी इन द फाइट अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस बी वैक्सीन एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबर के लिए यूज़ की जाती है ठीक है तो ये आ, एक अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है नाउ वी विल रीड अबाउट वट इज साइक्टोक स्टोम तो जो कोविड नाइन्टीन है जो डिसीज़ कोविड नाइन्टीन की वजह से दो साइक्टोकिन स्टोम जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड जो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बचाता है बैक्टीरिया से वायरसेस से पैरासाइट से बाई रिमूविंग दैम फ्राम अवर सिस्टम एंड जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है ऐसी चीज़ों से जो बॉडी रिकोगनाइज़ ना करें एंड इन चीज़ों को कहते हैं एंटीजन सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया फंजई वायरसेस आते हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करने से जो ब्लड फ्लो है सो so, इन्फ्लेमेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शन है इन्फ्लेमेटरीटर से जो ब्लड फ्लो होता है एरिया के अंदर वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा इम्यून सिस्टम सेल्स जो हैं वो इंजर्ड टिश्यू तक आती हैं एंड रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटेड नहीं होगा तो साइटो केम जो है वो ट्रिगर हो सकता है साइटो के ओवर प्रोडक्शन हो जाए इम्यून सेल्स का एंड उनके एक्टिवेटिंग कम्पाउंड का जो कि एक फ्लू की तरह किसी ट किया जा सकता है एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स के साथ विद इन टू द लंग्स सो इससे जो मोर्टेलिटी है पेशेंट्स के अंदर वो बढ़ेगी रेस्परेटरी डिस्ट्रेस होगा लंग इन्फ्लेमेशन होगी एंड अक्रिंस क्या है तो साइटोकिन स्टॉर्म जो है वो होता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑटो इम्यून कं